हेलो स्टूडेंट्स, समस्त युक्त दुई द्वितीय वर्ष कला छात्र छात्री जो मानकर संस्कृत इच्छाधीन विषय अच्छी वीडियो को स्वागत। आज वीडियो आम स्वप्न बासव दत्तम विषय केते गुड़िए दुई नंबर विशिष्ट प्रश्न आलोचना करिबा। आउ आज विषय होची स्वप्न बासव दत्तम। ताले प्रश्न गुड़िक कौन थी संक्षेपेण उत्तर लिखत प्रश्न थी। आम एक नंबर प्रश्न देखा। एक नंबर प्रश्न टीपरी थी, सब प्रश्न संस्कृत लिखाई थी, ये ओडिया लिखाई किंतु संस्कृत लिखाई थी देवनागरी भाषा एवं ताको ओडिया उत्तर देवाक हम। एक नंबर प्रश्न पढ़ुची, पद्मावती किमर्थम आश्रमम अगतवती, यार अर्थ पद्मावती काहीकि आश्रम को आसी थिले, पद्मावती काहीकि आश्रम को आसी थिले। उत्तर टी हेबो, पद्मावती जने धर्मप्रिया और धर्मपरायण नारी थिले। आउ महादेवी आश्रम बास करुथवारु तांको दर्शन और आशीर्वाद लाभ पाई से राजनगर आश्रम को आसी थिले। राजजमा पद्मावती धर्मप्रिया और धर्मपरायण थिले, मात्र महादेवी आश्रम बास करुथवारु मात्र महादेवी आश्रम बास करुथवारु तांको दर्शन और आशीर्वाद लाभ पाई से राजनगर आश्रम को आसी थिले। हैला दुई नंबर प्रश्न देखिबा, घसवती बीणा कस्मात् स्थानात् केन रूपेण प्राप्ता। घसवती बीणा कस्मात् स्थानात् केन रूपेण प्राप्ता। घसवती बीणा केउं स्थानरु केउं रूपरे मिलिथिला। महाराज उदयन सूर्यामुख प्रासाद रे केही जने बीणा बजाउथिबार जानी ता निकट को जाई पचारिथिले, तुमे ए बीणा घसवती बीणा केउंटु पाइलो। महाराज उदयन सूर्यामुख प्रासाद रे केही जने बीणा बजाउथिबार जानी ता निकट जाई कौन पचारले, तुमे ए बीणा ए घसवती बीणा केउंटु पाइलो, ए बीणा बा घसवती केउंटु पाइलो। उत्तर रे बीणावादक कहिथिले, नर्मदा नदी तटस्थ कुशबुदा निकट रे लागिथिबा अवस्था रे मु ए बीणाटी को पाइछि। ताले कोठ पाइछि, नर्मदा नदी तटस्थ कुशबुदा निकट रे लागिथिबा अवस्था रे मु ए बीणाटी को पाइछि। तीन नंबर, मगध राजकुमारी केन कथं च उदन याय प्रदता। मगध राजकुमारी केन कथं च उदन याय प्रदता। मगध राजकुमारी को काहीकि एवं केउठारे उदयन को प्रदान करा जायतिला। राजा उदयन कौनसी कारणवशत मगध राज्य को आसीथिले, किए आसते उदयन, राजा उदयन कौटि आसते मगध राज्य को कौन सी कारणवशत आसते मगध राजा उच्चकूल, मगध राजा देखी उच्चकूल उच्चकटीर ज्ञान और वयसानुकूल रूप से मुग्ध हो उदयन को स्वकन्या प्रदान करते झी को प्रदान कर राजकुमारी को प्रदान कर मगध राजंकर उच्चकूल उच्चकटीर ज्ञान वयसानुकूल रूप से मुग्ध हो से सकन्या प्रदान करते राजकुमारी को प्रदान करते किए प्रदान करते मगधराज मगधर राजा राजा उदयन को प्रदान करते ताले मगध राज्य प्रदान करते एवं कहीं प्रदान करते उच्चकूल उच्चकटीर ज्ञान वयसानुकूल रूप से मुग्ध हो उदयन को सकन्या प्रदान करते।
चारि नंबर राज्ञ मुखं कथं शास्त्रुपातं जातम्। राज्ञ मुखं कथं शास्त्रुपातं जातम्। बासवदत्ता निजर अति प्रिय बोली विदूषक कहन्ते। बासवदत्ता निजर अति प्रिय बोली विदूषक कहन्ते। राजा उदयन विदूषक उक्त मंतव्य को बासवदत्ता को कहिदेवे बोली कहिले। बासवदत्ता निजर अति प्रिय बोली विदूषक कहन्ते। राजा उदयन विदूषक उक्त मंतव्य को बासवदत्ता को कहिदेवे बोली कहिले। संगे संगे विदूषक कहिथिले जे बासवदत्ता बहु दिन पूर्वरु अग्नि रे दग्ध होई मृता। बासवदत्ता बहु दिन पूर्वरु अग्नि रे दग्ध होई मृता बा नियारे पड़ी मरी जाइथिला। ताहा सुनी उदयनक चक्षु लतक प्लावित होइथिला। उदयनक चक्षुरे लोह आसि जाइथिला कारण प्रगाढ़ प्रेम को त्याग करिबा बड़ कष्टिन बड़ कठिन। प्रगाढ़ प्रेम को त्याग करिया बड़ कठिन। से बासवदत्ता को बहुत भल पाउथिले आउ सेतिपई से दुख प्रकाश करिथिले एवं प्रगाढ़ प्रेम को त्याग करिबा बड़ कठिन। सेई प्रेम को स्मरण करी मनीष मन तळर दुख नवीन होइथाय दुख लाघव होइथाय एवं नवीन रूप। पांच नंबर प्रस्थान काले बासवदत्ता किम अकरत। प्रस्थान समय रे बासवदत्ता कौन करिथिले। स्वामी उदयनक शयनावस्था रे बासवदत्ता ताको निकट रे किछि समय ताको समय रे किछि समय बिताया परे मंत्री जोगंध रायणक शपथ को स्मरण करि धरा पड़ी जा भय रे बिछणार उठी प्रस्थान करिवा समय रे बिछणार तळ को झुली पड़ीतिबा आर्यपुत्रंकर अर्थात उदयनंकर हस्त को बिछणा उपरे रखि दे प्रस्थान करथिले। ताले कोन करथिले स्वामी उदयनंक शयन अवस्था रे बासवदत्ता तांको निकट किछु समय कटाइथिले। तापरे मंत्री जोगंध रायणक शपथ को मने पकाई धरा पड़ जा भय रे बिछणार उठी प्रस्थान करिवा समय रे बिछणार तळ को झुली पड़ीतिबा उदयनंकर हात को बिछणा पर रखि दे प्रस्थान करथिले। 6 नंबर मनुष्य कथं मृत जनस्य ऋणभारात मुक्त भवती। मनुष्य कथं मृत जनस्य ऋणभारात मुक्त भवती अर्थात मनुष्य केतेबेळे मृत व्यक्तिर ऋणभाररु निजकु मुक्त करिपारे। मनुष्य मृतजनर प्रीति ऋणभारकु निज नयनरु लतक बुहाइ कम करिपारे बोली महाराज उदयन बासवदत्ताक वियोगरे नयनरु लतक बुहाइ मित्र विदूषकंकु कहिथिले। वास्तवरे मृतजनर प्रीति स्मरण करी मणिषता प्रति अनुरक्त प्रकाश करिबा सहित तार ऋणभार निजक मुक्त करिपारे। तेणु कौन ना मृतजनर प्रीति ऋणभार को निज नयनरु लतक बुहाइ कम करिपारे बोली महाराज उदयन बासवदत्ताक वियोगरे नयनरु लतक बुहाइ मित्र विदूषकंकु कहिथिले। वास्तवरे मृतजनर प्रीति स्मरण करी मणिषता प्रति अनुरक्त प्रकाश करिवा सहित तार ऋणभार निजक मुक्त करिपारे। 7 नंबर विदूषकस्य सर्पभ्रम कथं निराकृत। विदूषकस्य सर्पभ्रम कथं निराकृत अर्थात विदूषकंक मनरु सर्प भ्रम केतेबेळे दूर होइथिला। नाटकर पंचम अंकरे राजांक सहित
विदूषक समुद्र कूल को प्रवेश करिया समय रे नाटकर पंचम अंकरे राजांक सहित विदूषक समुद्र गृह को प्रवेश करिया समय रे दीपालोक रे भूई रे गटिए साप गड़ुथिबार देखि डरी जाइथिले। दीपालोक रे से देखिले गोटे साप गड़ुचि भूई रे। हेले राजा उदयनता साप नुहे मुख्य द्वारु खसी पड़ा पुष्पमाला कहते विदूषक मनरु सर्प भ्रम दूर होता से कौन कहले सी सर्प नुहे सेटा एक पुष्पमाला कहते विदूषक मनरु सर्प भ्रम दूर होता। आठ नंबर किमर्थम उदयन अश्रुपात विषय असत्यम अवदत्। किमर्थम उदयन अश्रुपात विषय असत्यम अवदत् अर्थात किपरि उदयन अश्रुपात विषय रे मिछ कथा कहिथिले। महाराज उदयन मृता पत्नी बासवदत्ता को मने पकाई नयनरु लतक झराइथिले। महाराज उदयन मृता पत्नी बासवदत्ता को मने पकाई नयनरु लतक झराइथिले। जदि एक कथा नवविवाहिता पद्मावती को कही थांते ताहेले से कष्ट अनुभव करी थांते काहीकि लुह झरोच कही थांते। एणु से मिछरे शरत कालीन चंद्र परी काशपुष्पर परागरेणु एणु से मिछरे शरत कालीन चंद्र परी काशपुष्पर परागरेणु नयनरे पड़ी जीवारु तांक मुख लतक प्लावित होइछि बोली कहिथिले। एहिपरि भावे मिछ कहिथिले। नौ नंबर पद्मावत्या शीर्ष बेदना श्रुत्वा उदयन किं चिंतया मास। पद्मावत्या शीर्ष बेदना श्रुत्वा उदयन किं चिंतया मास। पद्मावती शीर्ष बेदना कथा शुणी महाराजा उदयन कौन चिंता करिथिले। पद्मावती शीर्ष बेदना कथा शुणी बा मुंड बथा शुणी महाराज उदयन चिंता कले अति सुंदरी गुणवती पद्मावती को लाभ करी प्राणप्रिया बासवदत्ता वियोग दुख को सामान्य उपशम होउचि बोली उपलब्धि करूथिली। किंतु मु भुक्तभोगी होइथिबारु राणी पद्मावती मध्य सेहिपरि दशा भोग करिवे कि कौन कहिले। पद्मावती शीर्ष बेदना कथा शुणी महाराज उदयन चिंता करिथिले अति सुंदरी गुणवती पद्मावती को लाभ करी प्राणप्रिया बासवदत्ता वियोग दुख को सामान्य उपशम होउचि बोली उपलब्धि करूचि। किंतु मु भुक्तभोगी होइथिबारु राणी पद्मावती मध्य सेहिपरि दशा भोग करिवे कि। दस नंबर स्वप्नांते विबुधेन राज्ञा किं दृष्टम। स्वप्नांते विबुधेन राज्ञा किं दृष्टम। स्वप्न परे जाग्रत होई राजा कौन देखिले। स्वप्न शेषरे राजा उदयन जाग्रत होई निजर चरित्र को रक्षा करुथिबा बासवदत्तांकर कजल शून्य नेत्र। स्वप्न शेषरे राजा उदयन जाग्रत होई निजर चरित्र को रक्षा करुथिबा बासवदत्तांकर कजल शून्य नेत्र अदीर्घ चूर्ण कुंतल युक्त मुखमंडल को देखिथिले। बासवदत्ताङ्कर कजल शून्य नेत्र अदीर्घ चूर्ण कुंतल युक्त मुखमंडल को देखिथिले। ओके आज आम दस टी प्रश्न आलोचना कले। भिडियोटी केमती लगला कमेंट माध्यम से जनइबे। जदि भल लगे लाइक टे करेंगे आउ सांगसाथी सहित सेयार करेंगे। आउ जो मैंने प्रथम थर पर आज ये भिडियो देखते जी भल लगला से मैंने भिडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन क्लिक करेंगे ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन से पाखक सोटर आगे पहुँचे। धन्यवाद।
जोड़ी था भल सुख थैंक्स फॉर वाचिंग।